तो दोस्तों Realme X7 के यूज़र्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो है फाइनली निकल के आ चुकी है Realme की तरफ से। फाइनली एंड फाइनली Realme X7 5G स्मार्टफोन के लिए जुलाई का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रोल आउट होना शुरू कर दिया गया है, Realme की तरफ से रोल आउट किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके अपडेट का जो वर्जन था RMX 2176 PU 11.8.22 है, और इसी के साथ ही इसमें आपको लेटेस्ट जून एंड जुलाई का जो है सिक्योरिटी पैच भी इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि काफ़ी यूज़र्स की डिमांड थी कि इसमें पुराना सिक्योरिटी पैच मई का दिया गया है, अभी जुलाई का अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन फाइनली आपको अब जुलाई का जो है सिक्योरिटी पैच भी इसमें देखने को मिल जाता है, और काफ़ी सारी इसमें जो बग्स है वो फिक्स किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको जो है परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट की गई है। अब इसके अलावा कैमरा में कुछ इशू चल रहे थे, जैसे कि फ्लैश ग्रीन का जो इशू जो है इसके फोटो में चल रहा था। जब भी आप इसके फ्रंट कैमरे से कोई भी फोटो कैप्चर करते थे तो फोटो में जो है फ्लैश ग्रीन का जो इशू है वो आपको देखने को मिल रहा था, तो ग्रीनिश कुछ फोटो हो जाते थे, तो वो इशू इसमें फिक्स किया गया है फाइनली। इसके अलावा इसके कीबोर्ड में भी कुछ इशू चल रहा था। कीबोर्ड जब भी आप यूज़ करते थे किसी भी वेबसाइट वगैरह को ओपन करके उसमें जो है टाइपिंग वगैरह करते थे, कुछ भी टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते थे, तो उसमें फ्लिकरिंग का इशू जो है चल रहा था, वो इशू भी जो है कीबोर्ड में फिक्स कर दिया गया है। और इसी के साथ इसके फाइल मैनेजर में भी इशू चल रहा था। जबकि अलावा आपके स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर के रिसेंट टास्क में जो भी आपकी एक्टिविटी होती थी तो उसमें जो आइकन्स वगैरह जो भी शो होते थे किसी भी टास्क के या किसी भी डाटा वगैरह के, तो वो आइकन्स ठीक से आपको शो नहीं करते थे, नो आइकन वहाँ पे लिखा हुआ आता था, तो वो इशू भी इसमें फिक्स कर दिया गया है फाइनली। तो ये सारे इशू फिक्स जो है आपको इसमें कर दिए गए हैं इस लेटेस्ट अपडेट में, जो कि 8.22 वर्जन वाला अपडेट है। तो फाइनली अगर आपके पास भी Realme X7 5G स्मार्टफोन है तो फाइनली आप भी अपने सिस्टम अपडेट में जाकर इस अपडेट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट लेटेस्ट मिल चुका है तो फाइनली आप भी इसे अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपके भी स्मार्टफोन में जुलाई का लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, और सारे बग्स ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी इनमें से कोई भी, तो वो सारी फिक्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको अपडेट देखने को अभी तक नहीं मिला है तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट जो है वो टेस्टिंग में अभी कुछ यूज़र को रोल आउट किया गया है, धीरे धीरे करके सभी को रोल आउट कर दिया जाएगा और आपको भी ये अपडेट कुछ ही दिनों में रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी न्यूज़ Realme X7 के लेटेस्ट जुलाई के अपडेट की थी। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।